नगा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने शुक्रवार को कोहिमा में सार्वजनिक जुलूस निकालते हुए डिमापुर जिले को इनर लाइन परमिट के अंतर्गत समेटने के लिए त्वरित कदम उठाने की मांग की। एनएसएफ कार्यालय के बाहर से निकाले गए जुलूस में विभिन्न प्रतिष्ठानों के छात्र छात्राओं, गैर सरकारी संगठनों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। यह जुलूस मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा और अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि आईएलबी को राज्य में कड़ाई से लागू नहीं किया गया है, जिस वजह से अवैध घुसपैठ की समस्या अब बनी हुई है। Through this memorandum, the Naga Students Federation would like to draw your attention over a matter which requires immediate exigency measures relating to coverage of Dimapur district within the purview of ILP. The Naga Students Federation and its federating units, through its first phase to check influx of illegal immigrants and ILP defaulters, have been extensively conducting verification of inner line permit holders. मिजोरम एक्स सर्विसमैन लीग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर उनकी मांगों को पूरा करने में नाकाम रही राज्य सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की। बारंबार अपील और बीते जून महीने में विरोध प्रदर्शन के बावजूद सरकार की नाकामी को देखते हुए मिजोरम एक्स सर्विसमैन लीग ने कहा कि वे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से अपील करते रहेंगे और आने वाले दिनों में कड़े कदम उठाएंगे। उन्होंने साथ ही 28 अगस्त को आइजोल में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने इसके अलावा पूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप सी पोस्ट में 10% और ग्रुप डी पोस्ट में 20% आरक्षण की मांग की है। आइजोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत उन्होंने सभी पूर्व सैनिकों को संपत्ति कर में छूट देने की भी मांग की है। आगामी रविवार को त्रिपुरा के 8 जिलों की 8 नदियों में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां बहाई जाएंगी। मौजूदा अटल जी की अस्थियों को बीजेपी के पार्टी मुख्यालय में रखा गया है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। अटल जी की अस्थियों पर 4 दिन तक श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रदेश के 8 जिलों की 8 नदियों में इन्हें विसर्जित किया जाएगा। अटल जी का जो अस्थि कलश इस प्रदेश में वो लेकर आई है, 2 दिन से अटल जी का अस्थि कलश भाजपा के प्रदेश कार्यालय में है। लोग आ रहे हैं अटल जी के अस्थि कलश को मतलब अंतिम समय के लिए नमन करने के लिए लोग आ रहे हैं। और आज बाकी जो हमारे जो जिला है उनके जो अध्यक्ष है अस्थि कलश वो लोग भी लेके जा रहे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी की वाजपेयी की अस्थि कलश कल अगरतला लाया गया था। 2 दिन तक ये अस्थि कलश ये भाजपा के प्रदेश ऑफिस पे रहेंगे लोगों की श्रद्धांजलि के लिए। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो लोग हैं भाजपा के कार्यकर्ता है सपोर्टर से वो आ रहे हैं, वो फूल माला दे के यहाँ पे अटल जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शुक्रवार को इम्फाल में रोड सेफ्टी पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और भारत सरकार की एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने स्पॉन्सर किया था। कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य था सभी राज्यों के 5 विभागों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना। इन विभागों में परिवहन, लोक निर्माण, ट्रैफिक पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज has as per the directives of Supreme Court is ensuring that a road safety workshop is conducted in every state to initiate the road safety activities in the state.
And it is not a one-day road safety observation. It is a proper technical planning by all the departments concerned. And it is not only the onus of, say, transport department or the traffic police.